हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हाउस ऑफ एनाबॉलिक्स। मेरा नाम है रियाज खान। आज हम बात करेंगे एक और फेमस स्टीरोइड अनावर के ऊपर। ये अनावर तो इसका ब्रांड नेम है, इसका एक्चुअल नेम है ऑक्सेंड्रोलोन। ऑक्सेंड्रोलोन इसका कंपाउंड नेम है। तो पूरा इसका इन और आउट देखेंगे, जैसा कि आप मेरी वीडियोज़ देखते हुए आ रहे होंगे। तो हम एक एक चीज़ को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं कि वो कैसे काम करती है, क्या करती है, सब कुछ। और जो भी नॉलेज मैं आपको देता हूँ, ये सारी की सारी रिसर्च पेपर जहाँ पे ये बनाई गई थी वहाँ से ट्रांसफ़र करता हूँ, हवाई ज्ञान नहीं है। तो आप इस जानकारी को ऑथेंटिक मान सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो गाइस, शुरू करते हैं अनावर के जन्म से। इसका जन्म हुआ था 1960 के अंदर, मगर कुछ ही समय के बाद FDA ने इसको डिसअप्रूव कर दिया था मेडिकल यूज़ के लिए, और उन सब चीज़ों के लिए मना कर दिया था कि आप इस ड्रग का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और फिर भी लोग तो इसका इस्तेमाल कर ही रहे हैं, आप सभी लोग देख ही रहे होंगे। तो अब जान लेते हैं इस ड्रग के पीछे की साइंस, ये एक्चुअल में बनाई कैसे गई, ये है क्या। अभी तक जिन ड्रग्स की हम बात कर रहे थे वो सारे टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव्स थे। अब जो हम बात कर रहे हैं ये है DHT डेरिवेटिव, यानी डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन का एक डेरिवेटिव है ये। इसके बेंजीन के अंदर दो अल्टरेशन किए गए। एक अल्टरेशन था सेकंड कार्बन पोजीशन के ऊपर, वहाँ पर एक ऑक्सीजन ग्रुप को ऐड किया गया, और एक था मिथाइल ग्रुप को ऐड करना, ताकि हमारा लिवर जो है इसको डाइजेस्ट कर पाए। अगर वो मिथाइल ग्रुप नहीं लगा रहे थे तो जैसी की तैसी हमारे लिवर से बाहर चली जाती थी। तो इसलिए एक और एटम ऐड किया गया, वो था इसके टॉप पोजीशन पे। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं अनावर से बॉडी बिल्डिंग में आने वाले फ़ायदों के ऊपर। क्या फ़ायदा होता है जब लोग अनावर का इस्तेमाल करते हैं? तो जो इससे पहला फ़ायदा होता है वो ये होता है कि हमारी बॉडी को कैपेबल बनाती है कि ये ज़्यादा मात्रा में फ्री टेस्टोस्टेरोन रख सके। और वो कैसे कर पाती है? ये इनहिबिट करती है सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन को। उसकी वजह से होता यह है, जब ये इस हार्मोन को ट्रिगर करती है तो ज़्यादा मात्रा में बॉडी फ्री टेस्टोस्टेरोन रख सकती है, तो उससे मसल बिल्डिंग में तेज़ी हो जाती है। दूसरा जो फ़ायदा आता है, ये इनहिबिट करती है, मिमिक करती है ग्लूकोकॉर्टिकोरॉइड्स को। उससे होता ये है कि हमारी बॉडी की मसल बिल्डिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, साथ के साथ मसल रिटेनिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। दोनों में ही मदद करता है, आपकी बॉडी ज़्यादा मसल्स को रख पाएगी। तीसरा जिससे फ़ायदा आता है वो है कि प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ा देता है। चौथा जो फ़ायदा आता है वो है कि नाइट्रोजन रिटेंशन को बढ़ा देता है। साथ ही साथ ये एक और फ़ायदा देता है, वो है कि RBC के काउंट को इनक्रीज़ कर देता है। तो इससे आने वाला छठा फ़ायदा ये है कि ये एंड्रोजेनिक नेचर में बहुत कम है। इसकी एंड्रोजेनिक रेटिंग कुछ 20 या 25 के आसपास है, यानी कि इससे एंड्रोजेनिक होने वाले साइड इफेक्ट, यानी कि एक्ने निकल जाना, ये सब बहुत कम होता है। ईचिंग होना, ये सब इसमें बहुत कम होता है इस स्टेरॉइड के अंदर। साथ ही साथ इसके अंदर वाटर रिटेंशन बहुत कम है, और एस्ट्रोजन कन्वर्जन भी बहुत कम है। यानी कि कम का मतलब ये है कि ना के बराबर है, ज़ीरो है। ये स्टेरॉइड एस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं होता है, तो इसकी वजह से एक और हमें फ़ायदा मिल जाता है। और उसकी वजह यह है क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन नहीं, DHT डेरिवेटिव है, और DHT के ऊपर एरोमेटाइज एंजाइम काम नहीं करता है, जिस वजह से ये एस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। और इसके अंदर जो है ज़ीरो वाटर रिटेंशन है, जिसकी वजह से हार्ट रिलेटेड आने वाली परेशानियाँ कम हो जाती हैं या ना के बराबर हो जाती हैं इस वाले स्टेरॉइड पे। इससे आने वाला एक और फ़ायदा ये है कि ये प्रमोट करता है लाइपोसिस को। लाइपोसिस जो है वो T3 को यूटिलाइज करने में बड़ा कैपेबल हार्मोन है, तो उसका इस्तेमाल करके ये हमारे T3 को ट्रिगर कर देता है, जिससे हमारी बॉडी तेज़ी से फैट लॉस कर पाती है। अब बात करते हैं कि ये हमें मेडिकल में किस तरह से फ़ायदा दे रही थी बॉडी, मेडिकल में कहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। तो पहला फ़ायदा था कि हमें कीमोथेरेपी में यूज़ होती थी। जब किसी को कीमोथेरेपी दी जाती थी तो उसके अंदर अनावर को ऐड किया जाता था। जो इससे दूसरा फ़ायदा होता था वो ये होता था कि जो कम उम्र के बच्चे, यानी 14 से 15 साल की उम्र के बच्चे, जिनके अंदर हार्मोन इम्बैलेंस है, उन बच्चों को दिया जाता था उनके हार्मोन्स को सेम एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाने के लिए। और जो तीसरा इससे फ़ायदा होता था वो ये होता था कि मसल लॉस वेस्टिंग जो डिजीज़ है, जिसमें मसल बॉडी खाती है, उनके अंदर ये मसल को रिटेन करने में सक्षम थी, इसलिए इसको वहाँ पर दिया जाता था। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। साइड इफ़ेक्ट्स जानने से पहले एक चीज़ के ऊपर बात करते हैं, जिससे आपको कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। सभी लोग ये बोलते हैं कि अनावर जो है वो बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट नहीं देता है, इससे कुछ नहीं होता है, इससे शरीर एकदम जो है इसका वाटर रिटेंशन नहीं है, ये नहीं है, जो मैंने भी बताया आपको। तो जब इसमें कुछ भी नहीं है तो इसके नुकसान क्यों होते हैं लोगों को?
पहली चीज, अगर आप अनावर नॉर्मली यूज़ कर तो उससे होगा ये कि आपको इससे कोई भारी भरकम रिजल्ट नहीं आना है, आपको कुछ भी इसमें फ़र्क नहीं दिखेगा, आपकी बॉडी बहुत नेचुरल तरह से ग्रो कर रही होगी और कोई असर नहीं नज़र आ रहा होगा, बहुत ही माइनर सा असर होता है जो नेचुरली भी आप अचीव कर सकते हैं। तो फिर जब इसको यूज़ किया जाता है तो इसको स्टैक कर देते हैं और कटिंग स्टीरोइड के अंदर, जैसे कि ट्रेन के साथ भी अनावर को मिक्स कर दिया, जब आपका कटिंग साइकिल चल रहा होता है तो उसके अंदर जो है अनावर को ऐड किया जाता है। तो उस दौरान होता ये है कि बॉडी पहले ही बहुत सारा टॉर्चर सह रही होती है, तो अनावर जैसी माइल्ड ड्रग भी बहुत ज़्यादा बॉडी को डैमेज कर देती है। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो इससे पहला साइड इफ़ेक्ट आता है एंड्रोजेनिक नेचर के अंदर हेयर लॉस, बाल झड़ना बहुत ही कॉमन है अनावर के ऊपर। क्यों कॉमन है? क्योंकि एक तो ये DST डेरिवेटिव है और DST के जो रिसेप्टर होते हैं वो बालों के अंदर भी होते हैं, तो बाल झड़ना बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो जाता है जब आप अनावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सिमिलर एरियाज पे बाल आना भी बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल हो जाता है इस वाले स्टीरॉइड पे, क्योंकि वो आ जाएंगे क्योंकि DST डेरिवेटिव है, अगेन रिसेप्टर्स जो है हेयर्स के उनको ही ट्रिगर कर देता है। बात करते हैं इससे आने वाले एस्ट्रोजेनिक साइड इफ़ेक्ट्स। तो कहीं इसका एस्ट्रोजन कन्वर्जन रेट जीरो है, यानी कि एस्ट्रोजन से आने वाले तो कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको देगी ही नहीं, मगर इसके साथ आप जो और स्टीरॉइड को स्टैक किया हुआ है वो आपका एस्ट्रोजेनिक साइड इफ़ेक्ट्स दे रहे होंगे। तो उसके लिए एक प्रॉपर जो है PCT प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाता है और इन साइकिल भी कुछ चीज़ों को ऐड किया जाता है। बहुत ही जल्दी मैं उसके ऊपर वीडियो देने वाला हूँ कि प्रॉपर साइकिल कैसे चलाई जाती है। स्टीरॉइड पर कुछ कार्डियोवैस्कुलर साइड इफ़ेक्ट्स भी आ जाते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल के ऊपर थोड़ा सा प्ले करना है, कोलेस्ट्रॉल को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देता है, इसकी वजह से उसमें कुछ आ जाता है, मगर उसको टैकल किया जा सकता है प्रॉपर कार्डियो और उन सब एक्सरसाइजेस के साथ। टेस्टोस्टेरोन लेवल पे जो इसके साइड इफ़ेक्ट हैं वो ये हैं कि ये नेचुरल टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को शट डाउन कर सकता है। कैसे अनावर को साइकिल किया जाता है? तो इसको आप मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स जो है 6 to 8 वीक चला सकते हैं, इससे ऊपर इसको नहीं ले जा सकते, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसकी माइल्ड स्टीरॉयड होने के बाद भी इसकी जब डोजिंग हाई कर देते हैं तो ये भी एक डेंजरस स्टीरॉयड के अंदर आ जाता है, और उसके बाद भी एक बड़ा रिस्क ये अकेला सिंगल भी दे सकता है आपको, तो इससे भी आपको सावधान रहना है। अनावर यूज़ करने से पहले वर्कआउट का अच्छा एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको अच्छा वर्कआउट एक्सपीरियंस नहीं है तो अनावर आपको जो है ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देगा, तो इस चीज़ पे सावधान रहना है। डोजिंग्स इसकी कुछ इस तरह से हो सकती हैं कि आप इसको 20 mg से शुरू कर सकते हैं, 10 mg सुबह 10 mg शाम को स्प्लिट करके, और अगर आप एडवांस यूज़र हैं तो 40-50 तक जा सकते हैं मैक्सिमम, इससे ऊपर अनावर लेने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि एक स्टैकेबल स्टीरॉयड है, सिंगल तो यूज़ करना बिल्कुल बेकार है, आप अपने पैसे को ख़राब कर रहे हैं, तो अनावर को कभी भी सिंगल इस्तेमाल करने की ना सोचें। तो गाइज ये था वीडियो हमारा अनावर के ऊपर, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, अगर आपको ये पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।